नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश, में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कश्मीरी पंडितों के दर्द की दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में वो लोग हैं जिन्हें 1990 के दशक में अपनी जमीन को छोड़कर यहां से जाना पड़ा, और दूसरी तस्वीर में वो लोग जो कभी घाटी छोड़कर गए ही नहीं, अनिश्चितता के साए में बरसों से घाटी में ही रहते आ रहे हैं। वैसे तो इनके अलग अलग अनुभव है, अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन एक बात ये एक साथ जो कहते हैं वो ये कि सरकारों ने कभी हमारे दर्द को ठीक से समझा ही नहीं। फिलहाल विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स सुर्खियों में है। जी हाँ, लगातार इस फिल्म को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। सिनेमा हॉल से लेकर सोशल मीडिया तक इस फिल्म पर तमाम लोगों के अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों के सच को बेबाकी से दिखाया गया। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस फिल्म में एक तरफ तो जहां सुर्खियां बटोरी हुई है, तो वहीं इस पर सियासत भी अब तेज होती हुई। फिल्म रिलीज होने से पहले ही जिले कर दक्षिण पंथ और वामपंथ के बीच तीखी बहस जारी थी। रिलीज के बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि फिल्म देश भर के सिनेमाघरों में अच्छी खासी कमाई कर रही है, लेकिन जिस रफ्तार से कमाई बढ़ रही है उसी रफ्तार में इस फिल्म पर राजनीति और सिनेमाघरों में हंगामा भी शुरू हो गया। द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक ही समय में कई तरह की भावनाएं उमड़ी हुई। एक तरफ कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्द को लेकर लोगों में गुस्सा है, तो दूसरी ओर तथ्य के दूसरे पहलू को भी पेश किया जा रहा है। कई लोग इसे आधा अधूरा सच बता रहे हैं। कश्मीर को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जमकर राजनीति की, इसमें कोई दो राय नहीं। धारा 370 हटाना बीजेपी का कोर एजेंडा में शामिल था। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने उसे पूरा भी किया, उस पर वोट भी मांगे। बीजेपी ही नहीं बल्कि कई दूसरी पार्टी भी कश्मीर पर वोट मांग चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कश्मीर राजनीति की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया है, लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाकये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी, और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए। तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते हैं? सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियाँ नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। और बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हुए, मसलन कश्मीर के नाम पर राजनीति आखिर कब तक? बरसों से देखते आ रहे हैं कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती आई है, और यही वजह है कि कश्मीर के हालात बदले नहीं, क्योंकि उन्हें बदलने नहीं दिया गया राजनीति के चलते। अगला गंभीर सवाल, कब होगी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी? क्या राजनीतिक दलों ने कश्मीरी पंडितों के साथ किया है इंसाफ? क्या आधी सच्चाई बता रही है ये फिल्म कश्मीर फाइल्स? क्या फिल्म के जरिए लोगों की भावनाओं के साथ किया जा रहा है खिलवाड़? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रेश कुमार सिंह जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी मौजूद है, बहुत स्वागत है प्रेम जी आपका। राजनीतिक विश्लेषक विवेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आप सभी खास मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और चर्चा की शुरुआत प्रेम कुमार जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। इस फिल्म को लेकर सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी सर, और क्या आपको भी लग रहा है कि ये फिल्म आधी सच्चाई बयां कर रही है या फिर
कश्मीर में उस समय जो कुछ भी हुआ पूर्णतया उसे बताया गया है, उसके दर्द को कहीं ना कहीं समझाया गया है। क्या लग रहा है सर? देखिए शिल्पा जी, कोई फिल्म देखकर हम निकलते हैं तो हमारे मन में क्या भाव होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। कभी हम फिल्म देखकर निकलते हैं तो हमारा हम वो गाना दोहराते हुए चलते हैं जो उस फिल्म में बहुत अच्छा लग रहा होता है। दुखांत फिल्में भी होती हैं, उसमें भी एक संदेश लेकर निकलते हैं। लेकिन जब हम इस फिल्म को देख करके निकले तो हमारे मन में ऐसा लगा जैसे कम्युनिस्टों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लाल झंडा वालों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। हमें लगा जैसे मुसलमान जो है उन लोगों ने, उनका काम सिर्फ गोलियां चलाना था, उन लोगों ने एक एक हिंदुओं को चुन चुन कर मार दिया। हमें लगा कि मस्जिद जो है, मस्जिद इसी काम के लिए होते हैं कि वहां से ऐलान करो और सबको, विरोधियों को काट दो। इस तरह की भावना लेकर के निकले तो निश्चित रूप से फिल्म में ऐसी भावना अगर अंत में निकल रही तो ये खतरनाक बात है। अब प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि सच्चाई बयां हुई या नहीं हुई। देखिए फिल्म में सच्चाई बयां हुई नहीं हुई ये उन आंसुओं से समझ में आता है जो कश्मीरी पीड़ित पुनर्वास के लिए आज भी तरस रहे हैं। उनके आंसू कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, यानी सच्चाई बयां हुई है। इसके बाद लेकिन सबसे बड़ा कश्मीरी पुनर्वास से जुड़ा सवाल है कि उनका पुनर्वास क्यों नहीं हुआ। ये फिल्म पुनर्वास की आवाज नहीं उठाती है। इस फिल्म में ये लगता है कि पुनर्वास का एकमात्र सोल्यूशन है धारा 370 हटा दो, बात खत्म। लेकिन पुनर्वास कैसे हो इस पर ये फिल्म नहीं बोलती। फिल्म अधूरी है और मेरे ख्याल से आज तस्लीमा नसरीन ने भी एक ट्वीट किया है, बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से बहुत सारे हिंदू भगाए गए, तो बांग्लादेश से भगाए गए हिंदुओं का सच, उस पर फिल्म आज तक क्यों नहीं बनी हिंदुस्तान में, ये भी बहुत बड़ी बड़ी बात है। वहां पर आप देखेंगे कि राजनीति घुसपैठिए को लेकर के होती है ना, तो आज तक कोई फिल्म उस पर नहीं बनी है, वो भी एक बात है। हालांकि बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं इस फिल्म को देखने के बाद। हाँ। उससे पता लगता है कि फिल्म जिसने बनाई है वो कई फिल्मों को जन्म देने का एक ये कर रहे हैं, जज्बा रखते हैं, तो उस हिसाब से भी ये फिल्म नकारे जाने लायक कतई नहीं। लेकिन फिल्म होता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि फिल्म में सच्चाई बयां हो जरूरी नहीं है, सत्य पर आधारित फिल्म होती है, जैसा कि अभी उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। इस हिसाब से ये मेरी पहली प्रतिक्रिया है जी। विवेक जी, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगा ये फिल्म देखने के बाद, क्या इस फिल्म के जरिए एक पर्टिकुलर नैरेटिव फिक्स करने की कोशिश हुई है? ये जो फिल्म है कश्मीर फाइल्स, इसमें जो है शिल्पा जी पूरी तरीके से सच्चाई को दिखाया गया है। अगर सच्चाई देखने के बाद आपको आक्रोश आता है तो आपको आक्रोश को आना चाहिए, स्वाभाविक है, बिल्कुल आना चाहिए। अगर गलत हुआ है तो गलत दिखाया जाएगा, इसमें दिक्कत की क्या बात है। अभी प्रेम जी बोल रहे थे, पहले प्रेम जी आप ही समझ लीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं तथ्य जो फिल्म है वो तथ्य नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो वहां से लोग जो विस्थापित हुए थे उनको जो है वहां पे लाना चाहिए। आप दोनों बातें कैसे कर रहे हैं? अभी उमर अब्दुल्ला बयान दे रहे थे कि वहां पे मुस्लिम भी भगाए गए थे। मैं पूछना चाहूंगा उनके पास क्या डेटा है, एक मुस्लिम मुझे बता दे जो कि कश्मीर से उसमें भगाया गया था। और यहाँ पे लाखों लोग हैं जो कि कश्मीरी पंडितों को एक रात के अंदर भगा दिया गया। तो अगर देखिए फिल्म जो है बनती है, और यहाँ पे यह बात नहीं है कि आप फिल्म क्यों बना रहे हैं, फिल्म के बनाने के पीछे मकसद है, मकसद यह है कि आप जानिए आपके साथ क्या हुआ था। और अगर फिल्म अगर बनाई गई है और लोग देख रहे हैं, और बार बार यही प्रतिक्रिया आ रही है कि बांग्लादेश के कोई जो है बता रहा है कि बांग्लादेश में जो हुआ उसके खिलाफ आप क्यों नहीं बना रहे, अरे आप पहले एक फिल्म तो देखिए, आगे आपको और भी फिल्में देखनी पड़ेंगी, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। लेकिन पहले जो फिल्म आई है वो आप देख लीजिए, उसके बाद और भी फिल्में बना दी जाएंगी। देखिए तथ्य जो है वो तथ्य आना चाहिए। और मैं बहुत स्पष्टता से बोलूंगा कि अगर आप देखिए जो कश्मीर फाइल्स फिल्म है पूरी तरीके से या तथ्य पर आधारित है, जो घटना हुआ है उसको वैसे का वैसा जो है प्रस्तुत किया गया है। हाँ, अगर किसी को इसमें पेट में दुख हो रहा है, पेट में तकलीफ हो रही है, लेकिन विवेक जी कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई आधा सच दिखाया गया है, एक तरफा सच दिखा दिया गया है,
दूसरी तरफ का सच छोड़ दिया गया है। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या एक पर्टिकुलर नैरेटिव सेट करने की कोशिश इस फिल्म के जरिए। शिल्पा जी अभी मुझे आप बताइए कि ऐसा कौन सा सच है जो कि आधा दिखाया गया है। मुझे मैंने कहा ना कि एक भी आप बता दीजिए, एक यहाँ पे हजारों लाखों लोगों के साथ हत्याएं हो गई, लाखों लोगों को घर अपना छोड़ के जाना पड़ा। आप दूसरे पक्ष की क्या बात करेंगे? दूसरे पक्ष में कुछ हुआ है, हजारों मंदिर तोड़ दी गई है, एक मस्जिद आप बता दीजिए जो कि वहाँ पे गिराई गई हो, एक ईंट उस बता दीजिए मुसलमानों ने खिलाफ जो है किया है, कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया है। आप बताइए एक कश्मीरी पंडित किसी मुसलमान के खिलाफ या किसी मस्जिद के खिलाफ कुछ किया है? तो दोनों पक्ष कैसे आएंगे? दोनों पक्ष तो आ नहीं सकते हैं। पूरे दुनिया के लोग जो है परेशान है। आप देखिए जहाँ पे 100% मुस्लिम है वहाँ पर भी मुस्लिम को ही मार रहे हैं। तो पूरे दुनिया की जो समस्या है ना, आपके मुताबिक इस फिल्म में सच दिखाया गया है, और अगर ऐसा हुआ है और वो दिखा दिया गया, हूबहू बयां कर दिया गया, तो इसमें गलत क्या है? प्रेम कुमार जी, आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्टरी भी बताते दिखाई दिए विवेक सिंह, आपका इस पर छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी सर। उसी पर मैं कह रहा हूँ कि कॉन्ट्राडिक्टरी कतई नहीं है। हमने कहा कि उन आंसुओं में इस फिल्म की सच्चाई को दिखती है कि फिल्म की सच्चाई है, लेकिन हमने ये भी कहा कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म को देखने के बाद जब हम निकलते हैं तो गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सही कहा विवेक जी ने, लेकिन गुस्सा किसके खिलाफ आ रहा है? आज JNU के स्टूडेंट्स के खिलाफ गुस्सा आता है, लाल झंडा वालों के खिलाफ गुस्सा आता है। ये कहां से रिलेट हो गए? ये नैरेटिव सेट करने की बात है, उसका जवाब हुआ। हाँ। एक और महत्वपूर्ण बात विवेक जी ने उठाई है, वो भी हम ले लेते हैं। हाँ। कि दूसरा पक्ष का मतलब ये नहीं है मुसलमान का दूसरा पक्ष हिंदू। हाँ। अरे उस समय जी मैं बोलना जारी रखूँ ना। हाँ, बोली, बोली। उस समय जम्मू कश्मीर में देखिए मीर वाइज मौलवी फारूक की हत्या होती है 21 मई 1990 को, ठीक है। वहाँ के लोग वहाँ आतंकियों के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे होते हैं, आतंकियों के खिलाफ, कि आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी थी। हाँ। लेकिन उसके बाद जो फायर पुलिस की सेना की गोली से जब 47 लोग मारे जाते हैं हमारी मीडिया के मुताबिक और BBC के मुताबिक 100 लोग, तो उसके बाद वही गुस्सा भारत सरकार के खिलाफ हो जाता है। ये सब घटनाएं भी दिखाई जानी चाहिए थी, और भी विस्तार से बातें बोली जा सकती हैं। चलिए ठीक है, वैसे वो बहुत सारे आपके लोग मुताबिक आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट करने की यहाँ पर कोशिश की है, आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी, एक तरफ का सच दिखा दिया गया है, दूसरी तरफ का छोड़ दिया गया है। चलिए, हमारे साथ BJP प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी चंद्रेश जी कुछ कहना चाह रहे काफी देर से। इससे पहले मैं राजनीतिक दलों का रुख करूं, विवेक जी आप मुझे ये बताइए कि कश्मीर के मुद्दे पर राजनीतिक दलों की क्या भूमिका रही है? राजनीति होती आई है और ये आखिरकार कब तक होती रहेगी, और इसी राजनीति की वजह से हमारे कश्मीर का क्या से क्या हो गया? सर जल्दी से आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं सीधा कांग्रेस का रुख करूंगी, उसके बाद फिर BJP का। जी मैं जल्दी। देखिए शिल्पा जी, राजीव गांधी जी को जगमोहन जी ने बता दिया कि वहाँ के हालात जो है नियंत्रण के बाहर है, और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उनके समझ में आया नहीं तो कोई क्या कर सकता है। रही बात अभी प्रेम जी ने कहा फिल्म देखने के बाद लोगों को गुस्सा आ रहा है, स्वाभाविक है, लेकिन उनका कहना है गुस्सा किसके खिलाफ आ रहा है? अरे गुस्सा उसी के खिलाफ आ रहा है जिन्होंने ये कांड किया है, गुस्सा उनके खिलाफ। तो आप बचाना क्यों चाहते हैं? अगर कुछ लोगों ने एक कम्युनिटी को टारगेट किया है तो गुस्सा आएगा, उसमें दिक्कत की क्या बात है? गुस्सा आप इसलिए क्यों डर रहे हैं गुस्सा किसके खिलाफ आ रहा है? गुस्सा उसके खिलाफ आ रहा है जिन्होंने इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया है। रही बात आधी सच्चाई दिखाई गई है, तो पूरी सच्चाई आप बता दीजिए या पूरी सच्चाई एक फिल्म बना दीजिए। आप डर क्यों रहे? आप बना दीजिए कोई फिल्म, पूरी सच्चाई आप दिखाइए। अरे जब पूरी सच्चाई है ही नहीं है, जो सच्चाई है यही है कि पंडितों पर अत्याचार हुआ, उनको भगाया गया है, और दूसरी तरफ से कोई सच्चाई नहीं है। कोई मुस्लिम को वहाँ पे न भागा है, न कोई मारा गया है, न कुछ हुआ, न उनके मस्जिद को कुछ हुआ है। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मैं जल्दी से खेमचंद शर्मा जी से और चंद्रेश कुमार सिंह से उनका ओपनिंग रिमार्क लेना चाहूंगी। सबसे पहले चंद्रेश जी, आप काफी देर से हाथ उठा रहे हैं, सर आपसे मेरा सवाल यही रहेगा, राजनीति होती है ये कश्मीर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसे कि अभी भी विवेक जी ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स में जिस तरह से दिखाया गया है, जगमोहन जी ने राजीव जी को इन्फॉर्म किया था अकॉर्डिंग टू विवेक सिंह जी, लेकिन कुछ किया नहीं गया, और उसके बाद देखिए क्या से क्या हो गया, क्या कहेंगे सर आप? और उसके बाद लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, विशेषता उन लोगों की जो फिल्म देख रहे हैं,
निश्चित रूप से उनकी प्रतिक्रिया को देखने के बाद फिल्म देखने की हिम्मत जुटा पाना बड़ा मुश्किल है। मैं इस बात पर कतई आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो गलत है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ठीक, हो सकता है जो दिखाया गया है वो सही हो और ऐसा हम लोग भी पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। निश्चित रूप से वहाँ कश्मीरी पंडितों के साथ दरिंदगी हुई है, अपराध हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनको मजबूरन वहाँ से छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। लेकिन इस फिल्म में जगमोहन की भूमिका केंद्रीय गृह मंत्री, उस समय के जो गृह मंत्री थे मोहम्मद मुफ्ती सईद, उनकी भूमिका, भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका और 85 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस सरकार का समर्थन किया था बीपी सरकार की, उस भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया है। मैं मेरे को थोड़ा सा समय देंगी, हाँ, मैं पूरा मामला खोल दे रहा हूँ, ये मेरे रिसर्च का विषय है। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री है, वो रिजाइनेशन दे देते हैं, वहां राष्ट्रपति शासन लगती है क्योंकि कश्मीर के हालात बेकाबू हो चुके थे, बीपी सिंह की सरकार थी और गृह मंत्री वहां का अलगाववादी मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसे गृह मंत्री बनवाया, गृह मंत्री बनते ही 4 दिन बाद उसकी बेटी अगवा कर ली जाती है और आतंकवादियों को भारत से छोड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़ने ले जाते हैं। देश के अंदर जो बाहर से आतंकवादी आ गए, आतंकवादी वहां पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है, बॉर्डर की, स्टेट गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है, होम मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी। इस फिल्म में एक बात यह भी नहीं दिखाया गया कि जो वहां पर मिलिटेंट थे, जो टेररिस्ट थे, वो टेररिस्ट वहां के आम मुसलमान नहीं थे, वो पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट थे और एक अलगाववादी मुख्यमंत्री था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उस पर विचार नहीं हुआ। बीपी सिंह, इस फिल्म में एक जगह दिखाया गया है कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली फोन किया जा रहा है, दिल्ली फोन कोई रिसीव नहीं कर रहा है, कौन रिसीव नहीं कर रहा था, किसकी सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी 85 सांसदों के साथ मोहम्मद मुफ्ती का समर्थन कर रही थी, ये आश्चर्यजनक बात है। और सुनिए, एक और राज की बात बता रहा हूँ, उस समय जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी प्रधानमंत्री जो वर्तमान के हैं नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे और बाद में उसी जगमोहन को इन्होंने, अटल बिहारी ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया। ये आरएसएस और टेररिस्टों द्वारा प्रायोजित था, इसमें नरेंद्र मोदी और आतंकवादियों की बड़ी भूमिका थी और इन लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिलाया और जगमोहन ने वहां से वहां के कश्मीरी पंडितों को भगाने का काम किया और लंबे समय तक आपके मुताबिक रहे। ये भाजपा आपके मुताबिक ये सब कुछ बीजेपी का करा कराया था और इल्जाम सारा कांग्रेस पर लगाने का काम हुआ। खेमचंद शर्मा जी, जवाब आपका जल्दी से। ये भी सही कह रहे हैं कि 1947 में जो भारत का डिवीजन हुआ वो भी भारतीय जनता पार्टी ने ही करा। ये भी कह रहे हैं कि आधा पार्ट जो कश्मीर का पाकिस्तान भारत से ले गया वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में ले गया। सुन लो, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, अरे सुन लो, एक एक करके प्लीज, प्लीज एक एक करके चंद्रेश जी, एक एक करके सर, आपने अपने टाइम पे बोला, अपनी बात रखी, शर्मा जी को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आपको जो भी आपत्ति होगी मैं आऊंगी सर आपके पास, बहुत टाइम है अभी हमारे पास। मैंने इनको शर्मा जी, हाँ बोलिए। देखिए, कांग्रेस के हिसाब से तो देश का पार्टीशन भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ, आधा कश्मीर भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही पाकिस्तान ने कब्जा किया और जो बचा खुचा है वो कांग्रेस ने बचाया और जो पाकिस्तान को चला गया वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से चला गया। इनके अनुसार 300 साल से जो वहां पे कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे थे, मारकाट हो रही थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रही थी। इनके अनुसार जगमोहन को राज्यपाल हमने ही बनाया, हमारी सरकार ने बनाया, राजीव गांधी जी ने नहीं बनाया, राजीव गांधी जी तो प्रधानमंत्री कभी बने ही नहीं, इंदिरा गांधी कभी प्रधानमंत्री थी ही नहीं, पंडित नेहरू कभी प्रधानमंत्री थे ही नहीं, पंडित नेहरू का कभी भी शेख अब्दुल्ला के साथ कोई रिश्ता नहीं। इनके अनुसार तो शेख अब्दुल्ला के दोस्ती के लिए पंडित नेहरू ने जम्मू कश्मीर को बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था, ये कभी हुआ ही नहीं। इनके अनुसार ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जबकि सच्चाई ये है कि शेख अब्दुल्ला के प्यार में आधा कश्मीर पाकिस्तान को चला गया, शेख अब्दुल्ला के प्यार में जो कश्मीरी हिंदू थे उनको मरने के लिए, कटने के लिए, पिटने के लिए कश्मीर में छोड़ दिया,
सच्चाई ये है कि कश्मीर उबल 1947 से ही रहा था, धीरे 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 उसका जो एरिया है, उसका जो दायरा है। अच्छा चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बातों को, लेकिन आप मुझे इतना बताइए, राजीव गांधी को छोड़ देते हैं, एक सेकंड आप मुझे इतना बताइए कि जब आप कश्मीर में गठबंधन में आए, तब आपने इन्हीं कश्मीरी पंडितों को वहां पर से पुनर्स्थापित उनको वहां पर करने के लिए क्या किया, और उनका डेटा कितना है आपके पास जिन्हें वापस से वहां पर स्थापित करने का काम हुआ आपके गठबंधन में आने के बाद? मैं उस पर भी जवाब देता हूं, लेकिन मेरे को प्लीज, क्योंकि बहुत ही संगीन विषय है और इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, उस पर मेरे को एक मिनट और दीजिए। इनके अनुसार कि आरएसएस और बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों की हत्या कराई, धोखा था, कितनी शर्म की बात है, इनको अभी भी अपने दुष्कर्मों पे अभी भी इनको अफसोस नहीं। राजीव गांधी जी की सत्ता के दौरान जम्मू कश्मीर की स्थिति बदते बदतर हुई और राज्यपाल भी जगमोहन जी को आपने ही बनाया, हमने नहीं बनाया। कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हो रहा था, दुराचार हो रहा था, बहन बेटियों को उठाया जा रहा था और आप अब्दुल्ला जी के प्यार में दीवाने बने हुए थे, अब्दुल्ला के ऊपर कश्मीर को छोड़ा। ठीक है ना, कश्मीरी पंडित इसी बात से तो दुख में है कि आरोप प्रत्यारोप राजनीति होती जा रही है, तमाम दल एक दूसरे पर प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं। आता हूँ। जम्मू कश्मीर की मूल समस्या कहाँ से शुरू हुई कि उसका कंप्लीट भारत के साथ विलय इन्होंने होने नहीं दिया। असीम प्यार था अब्दुल्ला के लिए, अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाना था, अब्दुल्ला को सेपरेट कश्मीर का राजा बनाना था इनको। उसी लिए जब 370 हटा, 35A हटा, कंप्लीट इंटीग्रेशन हुआ, 900 के आसपास भारतीय सरकार के, भारत सरकार के जो कानून है वो जम्मू कश्मीर में लागू हुए, हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास किया गया है, जम्मू में फैसिलिटी दी जा रही है, तैयारी की जा रही है, सैकड़ों मंदिरों का पुनर्निर्माण किया गया है, स्थानों को चुना जा रहा है, देखा जा रहा है, रिस्टोरेशन का काम हो रहा है। आज ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में रहने वाले कश्मीरी इस बात से खुश हैं। ठीक है, आपके इस दावे पर कि हजारों कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करने का काम बीजेपी ने किया, ठीक है। चंद्रेश कुमार से कुछ कहना है जल्दी से सर, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना होगा। चंद्रेश जी, आरोप प्रत्यारोप मत जाइएगा सर, मैं दरख्वास्त करती हूँ आपसे, तथ्यों पर रहते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं। चंद्रेश जी कर रहे हैं, इन्होंने कहा भारत के विभाजन की बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के विभाजन करता जिन्ना के साथ पश्चिम बंगाल में जाकर सरकार बनाए थे, ये किसी से छुपा है क्या? रही बात 370 की, तो हमारे संविधान में स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है, जिसमें दो आर्टिकल है, 370 और 371, और ये 368 द्वारा अमेंडेड है, ये सरकार द्वारा संशोधन किया जा सकता है। चलिए इस पर आप लोग एक दूसरे पर ब्लेम गेम में चले गए सर, ऐसे समय आया होता है। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, प्रेम जी मैं इस तथ्य पर आपसे टिप्पणी चाहूंगी कि हजारों की संख्या में हमने कश्मीरी पंडितों को वहां पर लाने का काम किया, उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई, ये इस तथ्य में कितनी सच्चाई है सर? देखिए ये तो खेमचंद जी को ही पता होगा, वो बता रहे हैं कि ये हाल फिलहाल की बात बता रहे हैं कि उन्होंने वहां स्थिति बदली है, लेकिन आप ये देखिए हम लोग जहाँ चर्चा कर रहे हैं कि जब ये घटना घटी उस समय की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, उस समय 1989 में राजीव गांधी के दौरान शासनकाल में राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका था और उसके बाद बीजेपी को कोई मुद्दा हाथ नहीं लग रहा था, तो ये आपदा में अवसर खोजने की इनकी शुरू से राजनीति रही है। आतंकियों ने एक अवसर दिया, उन्होंने जुल्म किए और वहां से इनको लगा कि जितना कश्मीरी पंडित का पलायन होगा उतना हम राजनीति हमें मिलेगी और देखिए राजनीतिक फायदा होगा। उसके बाद इन्होंने अयोध्या, सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा निकाली उसके बाद, लेकिन कभी भी कश्मीरी पंडित के मुद्दे पर इन्होंने कभी कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास किया जाए ये आवाज नहीं उठाई। चलिए ठीक है, सरकार भी बनी इनकी, इन्होंने नई आवाज उठाई। ठीक कैसे है ये बात जाननी पड़ेगी। राजनीतिक लाभ कमाने का जो पूरा प्रयास चला है, आज भी कश्मीरी पुनर्वास की बात नहीं हो रही है, जख्म दिखा करके लोगों को बताया जा रहा है, पुनर्वास कैसे करेंगे इसका प्लान नहीं दिया जा रहा है। ये है, सिर्फ उन जख्मों को उड़ा गया है, समाधान नहीं दिखाया गया, क्या कुछ किया जा सकता है उस पर बात नहीं की गई है।
कांग्रेस को लेकर जहां बीजेपी तमाम उंगलियां उठा देती हैं, आप लोग कह रहे हैं कि भाई इसके साजिश जो थी वो आरएसएस और बीजेपी की थी, आखिरकार सच क्या है? यही दिखाने की कोशिश फिल्म के निर्माताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने की है, लेकिन उस पर भी बहुत सारी उंगलियां उठती हुई कह रहे हैं कि भाई आधा सच दिखाया गया है कन्वीनियंस के हिसाब से और अपने हिसाब से आधा सच छुपा लिया गया है। लेकिन सवाल वही सर, राजनीति कश्मीर पर जिस तरह से होती आई है, क्या वही कश्मीर को डुबोती हुई? इस बात पर है कि उस समय जगमोहन की भूमिका, बीपी सिंह की भूमिका, मोहम्मद मुफ्ती सईद की भूमिका और अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका को नजरअंदाज क्यों कर दिया गया, जो उस समय सत्ता में थे जिसमें सत्ता की बागडोर थी। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जगमोहन का संबंध तो कांग्रेस से था, तो यदि कांग्रेस से था तो आपने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जगमोहन को मंत्री क्यों बनाया? और 370 खत्म करते वक्त हमने देखा कि ये जो है भारत के वर्तमान गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर जगमोहन को हार, मोहन से आपका संबंध जग जाहिर है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए उन्होंने राहत पैकेज लाया था जिसमें एक एक परिवार को 20-20 लाख रुपया लगभग मिला। भारतीय जनता पार्टी बताए कि इस 8 साल में मोदी की सरकार में और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इन्होंने कश्मीरी पंडितों को क्या है, बस ये बता दें। बताइए शर्मा जी। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि आरएसएस नहीं होती तो जो आधा जम्मू कश्मीर भारत में मिला है वो भी नहीं मिल पाता। जम्मू कश्मीर के राजा को अगर एग्री किया, प्लीज सुन लो, ये बदतमीजी मत करो। आप बोल रहे थे, अनगल बातें कर रहे थे, मैं चुप था। ये टीवी डिस्कशन में उचित नहीं है। चंद्रेश जी प्लीज सर, आप एक सभ्य व्यक्ति है, प्लीज एक एक करके वन बाय वन आपने अपना समय लिया, उनको भी अपने समय में बोलने दीजिए। जो भी आपत्ति आपको होगी, जो भी फैक्ट पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी, अपने समय में बोलिएगा सर। और भी दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी की। ठीक है, चंद्रेश जी वही बात आ जाती है ना, आरोप लगाकर भाग जाने से कुछ नहीं होने वाला है, उन आरोपों का जवाब भी तो लेना होगा। दो सेकंड मैम, जो लोग 370 की बात करते हैं वो ये भी बताएं कि सिक्किम को भारत में किसने मिलाया, गोवा को भारत में किसने मिलाया, हैदराबाद को भारत में किसने मिलाया, ये भी बताएं ना कि देसी रियासतों का एकीकरण करने वाला कांग्रेस था और कौन था, तब ये जिन्ना के साथ सरकार बना रहे थे जब हम देश बना रहे थे। ठीक है सर, आपकी बात आ गई है। शर्मा जी पूरी करें अपनी बात, तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर, आपके रोल पर, क्या आप लोग को दूध के धुले नहीं है? ये लोग सुने, सच्चाई को भी जानने को मिले। आरएसएस नहीं होती तो जो आधा कश्मीर आज भारत के पास है वो भी नहीं रहता। गुरुजी ने जाके जम्मू कश्मीर के राजा को कन्विंस किया कि आप भारत के साथ विलय के टाइम को एग्री करिए और विलय हुआ और उसके बाद आधा कश्मीर बचा। नेहरू जी तो पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान को दे चुके थे, पाकिस्तान को लेने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से उसको परोसा हुआ था, आओ घुसो और ले जाओ, और आधा तो वो ले गए। रही बात दूसरी, आरएसएस के ही नेता, बीजेपी के नेता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सर्वोच्च बलिदान देके जो परमिट सिस्टम था उसको समाप्त किया। कांग्रेसियों ने नहीं किया, कांग्रेसियों ने परमिट सिस्टम लागू किया कि हमें अपने देश में ही माता के मंदिर में जाने के लिए, अमरनाथ की गुफा में दर्शन करने के लिए हमें अपने देश में वीजा लेना पड़े। ये दुष्कर्म कांग्रेस किया था और उसको खत्म करने का काम। अच्छा तो कांग्रेस को लोगों ने उसकी 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 जगह भी तो बता दी ना सर, नकार दिया ना, जनता ने नकार दिया ना सर। मैं ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहती हूँ, इतने दशकों से हम यही तो देखते सुनते आए हैं। कंप्लीट करने दीजिए, आप अपने रोल पर बात कीजिए, अब आप क्या करने वाले हैं? करने दीजिए प्लीज, कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप लाइन कंप्लीट करने दीजिए, लेट मी कंप्लीट प्लीज। हमारी भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से मानना था कि 370 हटना चाहिए, 370 को भी कांग्रेस ने जबरदस्ती से चिपकाया, जरूरत नहीं थी चिपकाया, क्योंकि अब्दुल्ला से प्यार था और अब्दुल्ला के प्यार में नेहरू जी और कांग्रेस दीवाने थे और पूरे ही तरीके से जो हिंदू कम्युनिटी थी उसको आग के मुंह में इन्होंने झोंका। अभी जगमोहन की बात करें, राज्यपाल के अधिकार कितने होते हैं? जब आपकी सरकारों ने वहां पे कुछ नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया, वो राज्यपाल भी आपने ही अपॉइंट किया। हम मानते हैं कि जगमोहन जी से हमारे संबंध है और हमारी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन लेकिन
दोषी कौन है? दोषी गांधी परिवार है जिसने पहले बंटवारा किया। ठीक है शर्मा जी, मैं फिर से आपको इंटरप्ट करूंगी। राजीव गांधी ने दोषी साबित हो गई हो कांग्रेस, तो अब ये बताए बीजेपी अब क्या करने वाली है सर? बीजेपी 24 तक तो आप लोग हैं ना अभी। मैडम बीजेपी ने शांति स्थापित करी अटल जी के जमाने में, और बीजेपी ने कश्मीरी पंडित आप लोगों की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, उनके लिए जरा संदेश दे दीजिए। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, ना सिर्फ भारत में पूरे विश्व में अप्रिशिएट कर रहे हैं कि 35A और 370 को हटा के 35A क्या कहता था कि कश्मीर के जो हिंदू अगर उनकी बहन बेटियां बात शादी करती है उनके अधिकार खत्म हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी यदि आ जाता है हमारे यहाँ पे तो उसको अधिकार मिल जाते हैं, नागरिकता मिल जाती है। ये काम कांग्रेस ने करने का काम किया भारत सरकार ने। तो अरे एक कदम आपने चला तो अगला कदम भी तो उठाइए ना, उसके लिए और कितने सालों का कश्मीरी पंडितों को इंतजार करना पड़ेगा कि वहाँ पे मंदिरों का। शर्मा जी देखिए, कांग्रेस से कश्मीरी पंडितों को कोई उम्मीद नहीं थी ना है, इसलिए तो आप लोगों की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से आज भी इंतजार कर रहे हैं कश्मीरी पंडित। आपके पास अब आगे के लिए उनके लिए क्या प्लान है वो बताइए। वही आपको बता रहा हूँ, हमने 370 को खत्म किया, 35A को खत्म किया, आज वहाँ पे तेजी से इन्वेस्टमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, इंस्टीट्यूशन स्थापित हो रहे हैं, और आप देखेंगे एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन बने हैं, और जम्मू कश्मीर में खुशहाली वापस आई है। युद्ध स्तर पे आप जो वहाँ पे आतंकवादी हैं उनको चुन चुन के मारा जा रहा है, वापसी लोग कर रहे हैं, हिंदू भी वहाँ पे जा रहे हैं, टूरिस्ट वहाँ पे रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में गए हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। ये दूरदर्शन होता था और सब कुछ गिनवा दिया, लेकिन ये नहीं गिनवा पाए कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर पुनर्स्थापित अब और कितनी बड़ी संख्या में ये लोग करने वाले हैं, या फिर उसको लेकर क्या कुछ प्लान है? हालांकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, कब वहाँ पर चुनाव होगा, कब वहाँ पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कुछ जवाब नहीं दे पाए। भारतीय जाके रह सकता है, ठीक है, व्यवस्था यानी कि प्रेम कुमार जी 370-35A के आगे इनकी गाड़ी नहीं बढ़ रही, रह सकता है जिस तरीके से दूसरे राज्यों में रह सकता है, ये अधिकार देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है। शर्मा जी सुन लेते हैं, प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं कि 370 हट गया, 35A हट गया, हाँ जी ये अध्याय तो हो चुका। हाँ। अब एक सवाल हम पूछते हैं अपने आप से और सबके सामने कि इस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है? कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित ही तो इस देश का पहला प्रधानमंत्री है, और कश्मीर को हिंदुस्तान में जोड़ने के लिए उनका जो कश्मीरी होना था वो सबसे बड़ा फैक्टर था, अन्यथा उस समय जो तत्कालीन नेता थे, दूसरे लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सबका कहना था कि कश्मीर को छोड़ दिया जाए, जूनागढ़ वाले मामले से इक्वेट कर दिया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो की कश्मीरी पंडित थे, देने की बात बीच में मत बोलिए, आप टीवी पे गलत बोल रहे हो, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, प्लीज मत बोलिए, किसी भी रिकॉर्ड में नहीं है मैडम, प्रेम कुमार जी वो कह रहे हैं कि माफी मांगनी पड़ेगी आपको, आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं यहाँ पर। ने ये कभी नहीं कहा कि आप जम्मू कश्मीर को, सरदार पटेल ने कभी नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर को यूं ही छोड़ दिया जाए। ठीक है शर्मा जी, आपकी आपत्ति मैंने उन तक पहुँचा दी है, जवाब सुन लेते हैं, उनकी अपनी बात पूरी कर लेते हैं शर्मा जी। ठीक है एक बार सुन लेते हैं प्रेम कुमार जी तक मैंने आपकी आपत्ति पहुँचा दी है सर, सुन लेते हैं। लोगों के सामने रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकत्र किया और तोड़ने। ठीक है शर्मा जी आपकी बात आ गई, आपकी आपत्ति भी मैंने प्रेम जी तक पहुंचा दी है, उनकी बात तो पूरी होने दे, बोलिए बोलिए प्रेम कुमार जी, दिस इज योर टाइम नाउ। वो कह रहे हैं ऐसा कोई तथ्य नहीं है, आप गलत तथ्य पेश मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि इस देश का पहला प्रधानमंत्री कश्मीरी पंडित था, और उन्होंने उनका कश्मीर से प्यार था, सशर्त भी उन्होंने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया, यह ऐतिहासिक सच्चाई है, और उसके वो उन्हीं कारणों से जिनको आज 370 हम लोगों ने अभी 2019-20 में हटाया, उन्हीं कारणों से जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा रहा, ये भी सच्चाई है, लेकिन साथ चुके इनको राजनीतिक रूप से कांग्रेस से भी झगड़ा करना है, तो कश्मीरी पंडित पर भी ये सवाल उठा रहे हैं, देश का पहला कश्मीरी पंडित जो पहला प्रधानमंत्री जो बने वो भी। लेकिन प्रेम जी ये तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों के लिए फिर किया क्या, अगर देश का पहला प्रधानमंत्री खुद कश्मीरी पंडित था प्रेम जी, तो बीजेपी का कहना है कि फिर कश्मीरी पंडित होने के नाते या फिर कांग्रेस पार्टी ने इस लिहाज से किया क्या इन कश्मीरी पंडितों के लिए? बीजेपी ने कम से कम 370 हटाने का काम किया, 35A करने का काम, हटाने का काम किया, इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया।
और कश्मीरी पंडितों को इसलिए इन लोगों से बहुत बड़ी शिकायत भी है। देखिए आऊंगे चंद्र जी, एक सेकंड प्रेम जी अपनी बात पूरी कर ले, आऊंगे इस पर। 370 हटने से अगर पुनर्वास का प्रॉब्लम दूर हो गया हो, उन्होंने कर दिया हो तो बताएं। अरे भैया 370 हटने का मतलब है आज पे आयुष्मान भारत चलता है, उसके बाद वहाँ पे जो भारत सरकार की 900 स्कीम है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, भारत सरकार का कानून चलता है, एससी को अधिकार मिलता है, ओबीसी को अधिकार मिलता है। फैक्ट सुनना नहीं चाहते। आज हिंदुस्तान में कश्मीरी पंडित कहीं भी एजुकेशन ले सकता है, सबके लिए कुछ न कुछ वैकेंसी में जगह बनी हुई है। किसने बनाया? हिंदुस्तान की जनता ने बनाया, बीजेपी वालों ने बनाया क्या? तत्कालीन सरकारों ने बनाया। और 90 के बाद कितने समय तक कौन सत्ता में रहा है वो भी हिसाब कर लीजिए। 90 के बाद जो कश्मीरी दर्द जो घटना घटी उसके बाद कांग्रेस पार्टी की कितनी सरकार रही है वो भी तय कर लीजिए। कश्मीरी पंडितों के लिए जो बीजेपी के राज में क्या आर्य चंद्र जी गैर बीजेपी शासन में क्या हुआ उसका भी मूल्यांकन कर लीजिए। ठीक है, सवाल का जवाब एक बार मैं जल्दी से पहले विवेक सिंह आपसे लेना चाहूंगी। राम मंदिर राजनीतिक विशेषज्ञ विवेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, उसके बाद चंद्रेश जी आती है आपके पास। सर एक ही व्यक्ति को मैं बार बार बोलने का मौका नहीं दे सकती हूँ। विवेक जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, एक बार विवेक जी की बारी हो जाए उसके बाद चंद्रेश जी मैं आती हूँ आपके पास। विवेक जी चंद्रेश जी एक एक करके प्लीज सर, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं उनका भी समय उतना ही महत्वपूर्ण है। विवेक सिंह जी, मैं पूरा फैक्ट के साथ डेट और तारीख के साथ मैं आपको जो है फैक्ट रखता हूँ। लेकिन एक छोटी मैं टिप्पणी कर दूं जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे और उन्होंने गवर्नर जो जगमोहन जी के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया, जबकि सबको पता है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने उनको गवर्नर बनाया था। अगर आप अपने नेताओं खास करके इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के ऊपर अगर आप प्रश्न लगा रहे हैं, उनके समझ पे अगर आप लगा रहे हैं तो आपको मुबारक हो, ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए जिम्मेदार कौन है। देखिए मैं मानता हूं इसके पीछे जिम्मेदार तीन चीजें थी, एक तो कांग्रेस थी, दूसरा कश्मीर के लोकल लोग और उनके लोकल पार्टीज थी, और तीसरा जो इस्लामिक जो सोच है ये इसके पीछे है। मैं बताता हूं कि कैसे हुआ घटनाक्रम। आप मुझे बताइए 14 सितंबर 1989 को जो टेकालाल टपलू जी की हत्या हो गई, तो उस समय सरकार किसकी थी वहां पर जम्मू कश्मीर में और केंद्र में? फारूक अब्दुल्ला वहां के चीफ मिनिस्टर थे और यहां राजीव गांधी थी। उसके बाद 4 नवंबर 1989 को आते हैं हाई कोर्ट के एक जज की हत्या कर दी गई नीलकंठ गंजू जी की, उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की जो है केंद्र में थी और यहां पर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और वहां पर जो है मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे। उसके बाद आप देखिए एक देखिए कोई बैकग्राउंड होता है, कोई एक दो दिन में इतना बड़ा आप कांड नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप एक देखिए एक अब सिलसिलेवार अगर आप देखिए तो 18 जनवरी को जो है फारूक अब्दुल्ला ने रिजिग्नेशन दे दिया और साजिशन रिजिग्नेशन दिया है 18 जनवरी जो को। उसके बाद फिर 19 जनवरी को जो है उनका जो है अपॉइंटमेंट होता है जगमोहन जी का, लेकिन बीच में जो है समस्याएं थी और नहीं जा पाए, उनको जम्मू कश्मीर में रुकना पड़ा और वो उधर पहुंच पाए लगभग 21 जनवरी को, और ये सारा का सारा जो कांड हुआ वो 19 जनवरी को हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि किसका है। और कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ा चिल्ला के बोल रहे थे कि इसमें बीपी सिंह, तो मुझे बताइए बीपी सिंह कौन है? आपको पता है बीपी सिंह कौन है? बीपी सिंह कांग्रेसी नहीं है। बीपी सिंह जो है किसके अंदर में काम किए थे? डिफेंस मिनिस्टर कहाँ पे थे? जो है राजीव गांधी जी के अंडर में काम किए थे। तो जो बीपी सिंह वहां पे थे, आपके जो उस समय के जो होम मिनिस्टर थे वो भी जो है सईद जी थे, वो भी वही कांग्रेस के जो है समर्थन थे। तो देखिए कोई भी काम करने के लिए आपको एक बैकग्राउंड चाहिए और उसके लिए जब भी बैकग्राउंड तैयार हो रहा था 19 जनवरी के उस पूरे नरसंहार के दिन के लिए, उस समय कांग्रेस आपके मुताबिक जिम्मेदार थी, कांग्रेस को उसी समय इन चीजों पर लगाम लगा देनी चाहिए थी। चंद्रेश कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए कांग्रेस प्रवक्ता है। चंद्रेश जी आप दीजिए जवाब। चंद्रेश जी सिर्फ बोलते रहने से कुछ नहीं होगा, पहले सवाल सुनिए, आरोप सुनिए, उसके बाद तो आप डिफेंड कर पाएंगे। चंद्रेश जी बोलिए। अरे गोधरा कांड पर कहां चले गए सर, अभी कश्मीर पर बात हो रही है उस पर आते हैं। उस पर आप ये बताएं जो इल्जाम लगा है कि भाई जो बैकग्राउंड तैयार हुआ 19 जनवरी के उस कश्मीरी पंडित के पूरे जेनोसाइड के दिन के लिए, उस समय उसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार बता रहे हैं विवेक सिंह तारीखों के साथ बकायदा। उस समय अगर त्वरित कार्रवाई की गई होती तो 19 जनवरी की वो रात आती ही नहीं। मैडम इस देश में कुछ दंगों का इतिहास पढ़िए,
जब प्रधानमंत्री जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उस समय जम्मू कश्मीर के भाजपा के प्रभारी बनकर जाते हैं और जगमोहन से उनका क्या साठगांठ होता है, हत्या मिलिटेंट के द्वारा वहां कराया जाता है। और ये बताइए कि जगमोहन ने वहां के कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाने का काम किया कि नहीं किया? उसने कहा कि आप यहां से भागो, हम आपको नौकरी देंगे, जमीन देंगे, आप जाओ। और अटल बिहारी वाजपेयी ने बीपी सिंह से समर्थन वापस नहीं लिया। समर्थन कब वापस लिया? जब आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार किया गया तब समर्थन वापस लिया। अटल बिहारी वाजपेयी 85 सांसदों के साथ क्या कर रहे थे? वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, केंद्र में प्रधानमंत्री भाजपा का उस समय था। अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन से वहां पर मुफ्ती सहित गृह मंत्री बने हुए हैं और पूरा घटनाक्रम हो रहा है, कश्मीर जल रहा है और दिल्ली चुपचाप चैन की नींद सो रहा है और जगमोहन जम्मू में आराम फरमा रहे हैं जो है गेस्ट हाउस में। और आप कह रहे जिम्मेदार कांग्रेस है। कैसे जिम्मेदार कांग्रेस है शर्मा जी? जल्दी से इन तथ्यों के आधार पर जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं जल्दी से जवाब आपका। बात पूरी हो जाए जी, आऊंगी उसके बाद। यदि तीन देखिए कांग्रेस पूरी जो बीमारी है उसको पनपाती है, उसको हवा देती है और फिर कहती है बहुत गलत बयानबाजी किया है। जो कश्मीर के पंडित हैं उनको बचाने का काम भी नहीं करते। जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को बचाने का काम किया, वो भी गलत काम किया। तो बीच मिनट मत कीजिए चंद्रेश जी, देखिए अपनी बात पूरी करने के बाद आप बीच मिनट नहीं कर सकते सर, अदरवाइज मुझे आपका फेड डाउन करवाना पड़ेगा, आपको म्यूट करना पड़ेगा सर। सिंगल स्क्रीन नहीं, मेरा ऐसे डिबेट नहीं होता। म्यूट करिए, ऐसे भी डिबेट नहीं होता सर। आप बार बार अगर इंटरप्ट करेंगे उनको बात रखने ही नहीं देंगे तो फिर कैसे आप सुन पाएंगे? आरोप लगाकर भाग देने से काम नहीं चलेगा ना सर, उनका जवाब भी तो आपको लेना होगा। जवाब लेने के लिए तो बैठे आप यहाँ पर। मैडम मैं आपको दावे के साथ कह दूं, चंद्रेश जी के बच्चे भी इनको गाली देंगे। जिन्होंने भी कश्मीरी फाइल मूवी देखी है और वो व्यक्ति जब इनकी डिबेट देखेगा इनसे शर्मसार हो जाएगा और इनको गाली देगा। कश्मीर फाइल में सच्चाई दिखाई गई है, किस तरीके से अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, 1947 से लगातार वो चल रहा है। लेकिन आप सवाल कर रहे हैं ना, जैसे आप कांग्रेस पर सारे इल्जाम डाल देते हैं, ये इल्जाम डाल रहे हैं कि अटल बिहारी ने फिर अपने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया था सांसदों के साथ? आप बिल्कुल, लेट मी कम्प्लीट। शिल्पा जी, समस्या जम्मू कश्मीर में थी, अब्दुल्ला की सरकार थी, बीमारी को गंभीर उन्होंने बनाया और सरकार का समर्थन वापस ले लेते, राष्ट्रपति शासन लग जाता, स्थिति और भी गंभीर होती। जो वहाँ पे सपोर्ट दी गई, कश्मीरियों को इवैकुएट किया गया, हिंदुओं को इवैकुएट किया गया, वो प्रोसेस भी शायद थम जाता अगर वो सरकार उस समय केंद्र में वापस ले लेते। समस्या क्या थी? समस्या जम्मू कश्मीर में थी, अब्दुल्ला फैमिली ने क्रिएट की थी और उससे पहले कांग्रेसियों ने बनाई थी। समस्या कश्मीर में थी, समस्या केंद्र में थी, समस्या कांग्रेस में थी, समस्या बीजेपी में थी, लेकिन इन कश्मीरी पंडितों का क्या दोष? इन कश्मीरी पंडितों को इंसाफ कब मिलेगा? मेरा मूल सवाल आज का यही है इस डिबेट का। विवेक जी, फाइल कमेंट चाहूंगी, समय की मेरे पास कमी है, सभी लोगों से जल्दी फाइल कमेंट चाहूंगी। कश्मीरी पंडितों को इंसाफ कब और कैसे? जल्दी से विवेक जी, फाइनल कमेंट आपका, कश्मीरी पंडितों को इंसाफ कब और कैसे? सर देखिए शिल्पा जी, देखिए शिल्पा जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए शर्मा जी आप जरा शांत रहिए, अभी चंद्रेश जी ने बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने उनको शायद कुछ फैक्ट पता नहीं है, पढ़ के नहीं आए। मैं दो बहुत छोटी चीज पूछना हूँ, अगर उनके पास जवाब हो दे देना जवाब, अगर आपके पास हो। बीपी सिंह की बात आप कर रहे हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री कब बने आपको पता है? प्रधानमंत्री कब बने? और दूसरा, आपको क्या पता है कि गवर्नर का क्या अधिकार होता है और मुख्यमंत्री का क्या अधिकार होता है? जब वहाँ पर चीफ मिनिस्टर था गवर्नर क्या करेगा? आपको कुछ पता? आप कुछ पढ़ने क्या नहीं आते, ऐसे आके बोल देते हैं। बीपी सिंह प्रधानमंत्री कब बने और गवर्नर और राज्यपाल का अंतर होता है? कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और भारत के प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे, 85 सांसदों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी। बीपी सिंह कब बने प्रधानमंत्री? बीपी सिंह कब बने बताइए, आपको पता है? बीपी सिंह कब बने थे इनको नहीं पता है? फैक्ट पर बात करिए, आप ऐसे आरोप मत लगाइए। विश्वनाथ प्रताप सिंह कब प्रधानमंत्री बने आपको पता है? बीपी सिंह प्रधानमंत्री कब बने थे जरा ये बता दीजिए बस। कब बने प्रधानमंत्री? आप बार बार बीपी सिंह का नाम ले रहे हैं, बीपी सिंह प्रधानमंत्री कब बने आपको पता है? कुछ भी बोल रहे हैं। 19 जनवरी 1990 को बीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे ये बताइए ना आप। कुछ भी
सब लोग तमाम दल सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए। प्रेम कुमार जी, जाते जाते फाइनल कॉमेंट आपका सर। आरोप प्रत्यारोप बहुत देख लिया सर बरसों से, दशकों से हम यही तो देखते आए कश्मीर पर। अब आप ये बताएं कि क्या लग रहा है प्रेम कुमार जी कि कश्मीरी पंडितों को क्या इंसाफ मिलेगा, मिलेगा कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? कश्मीरी पंडितों को इंसाफ देने का काम प्रायोरिटी पर होना चाहिए, जो अभी प्रायोरिटी पर नहीं है। हाँ। अभी प्रायोरिटी पर है कि कैसे देश में यह माहौल बनाया जाए, इससे कश्मीरी पंडितों के नाम पर सहानुभूति ली जाए और जो कश्मीर में आज जो जुल्म हो रहे हैं, आज जो उसको जेल बनाकर रखा गया है, उसको जस्टिफाई किया जाए। क्योंकि चूंकि तब जुल्म हुआ था, इसलिए आज हम जुल्म करेंगे, ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है। और ये लोग बात कर रहे हैं जिस दिन घटना घटी थी उस दिन तो कांग्रेस की न केंद्र में सरकार थी न जम्मू कश्मीर में सरकार थी, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस को इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि देश के पैमाने पर कांग्रेस ही इनके स्पर्धी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है, ठीक है, और इसलिए इन पंडितों को आज तक कभी इंसाफ मिल नहीं पाया है। जल्दी से शर्मा साहब, जाते जाते मैडम के ये दूसरे रूप है, उन्हीं की तरह ये डिफेंड करने का, ग्लोरीफाई करने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोई जेल नहीं है, सबका काम किया जा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लोग खुश हैं और युद्ध स्तर पे काम चल रहा है वहाँ पे मंदिरों के रजिस्ट्रेशन का, और जो कश्मीरी पंडित है उनको वापसी लाने के लिए पूरी तरीके से भारत सरकार लगी हुई है। 370 और 35 को आसान भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं की हत्या हुई है बता दीजिए, कर रहे हैं हजारों की संख्या में और बीजेपी के नेताओं की हत्या हुई दिसंबर में कश्मीरी पंडितों के इस दर्द को समझते हुए कैसे आप उनकी आवाज बनेंगे सर उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए? जल्दी जल्दी जरा को देखने के बाद मैं देशवासियों से कश्मीरी पंडितों की आवाज बनेगी और उन्हें कश्मीर में स्थापित कराने के लिए बड़े स्तर पर जाना, हाँ, और भाजपा का जो नंगा सच है वो सबके सामने दिखाने का भी काम करेगी। क्या कारण है कि भाजपा की सरकार में गोधरा हो जाता है, भाजपा की सरकार में जुड़ने के लिए समय मेरे पास बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिल्म का सच आधा है, अधूरा है या पूरा है ये जनता खुद तय करेगी, ये कश्मीरी पंडितों को खुद तय करना है। लेकिन सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यही कि इन कश्मीरी पंडितों को आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा? दशकों से इस आस में बैठे हुए हैं, तमाम पार्टियों की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, लेकिन मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, इंसाफ नहीं। वो इंसाफ कब, कैसे मिलेगा, कब तक मिले, लगातार ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ, नमस्कार। देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।